इसी जमाने में आया था अल्लाह मनवाने के लिए। और ये लोगों की गलत सोच है कि अली वाले शायद अली को अल्लाह कहते हैं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, हम उसे अल्लाह मानते हैं जिसे अली भी सजदा करता है। लाए जमाना मेरे सामने अल्लाह के होने की कोई दलील। हम अली वालों के पास अल्लाह के होने की सबसे बड़ी दलील अली के माथे पे सजदे का निशान है, जिसे अली भी झुकता है फिर वो कोई है। जिसे और ना घर में बैठ के हम पे कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाया करो, बल्कि हमारे गलों में लाके हाथ डाला करो। हम अली के होते भी उसे अल्लाह मानते हैं। मैंने कहा बादशाह अली आपकी तू तो कामयाब हो गया, अब इतने मोमिनीन के लिए क्या कह गया, ये कब कामयाब होंगे। अली शहनशाह की आवाज है, किताबें चाहो किताबें दिखाऊंगा। अली शहनशाह की आवाज है कि तब कामयाब होंगे जब हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे। आप सब कौन कहता है मजलिसों में तबलीग नहीं होती, जब इनके नक्शे कदम पे चलोगे तब कामयाबी मिलेगी। नमाज इन्होंने पढ़ के दिखाई, रोजा इन्होंने रख के दिखाया। सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अब दुनिया के कितने भी नमाजी हों मुझे बोल के बताओ, बड़े से बड़ा नमाजी इस गांव से लेके मक्के के मुफ्ती तक, बड़े से बड़ा नमाजी नमाज में ना अपनी मर्जी से हरकत कर सकता है, ना अपनी मर्जी से अपनी गुफ्तगू शामिल कर सकता है। अगर हरकत करेगा नमाज तापी बातर, अपनी गुफ्तगू अल्लाह की इबादत में शामिल करेगा नमाज का भी बातल। क्या कहने मेरे शहनशाह अली के, क्या कहने मेरे बादशाह अली के। अली शहनशाह ने नमाज में ज़कात भी दी, अली ने नमाज में फुस्त भी रब्बे काबा भी कहा, ना अली की नमाज को कुछ हुआ। मैंने कहा जमाने की नमाजें ज़ाया हो रही हैं, वो हरकत करें इनकी नमाज ज़ाया, वो बोलें इनकी नमाज ज़ाया। मेरा बादशाह अली तू कैसा नमाजी है, आज जब नहीं अली की आवाज़ आए। मैं ये काम करके जमाने को बता रहा हूँ, अली नमाजी का नाम नहीं, अली नमाज का नाम। अली नमाज का नाम है, ज्यादा देर किबला को जहमत नहीं देनी, बस चंद और जुमले आपकी जमातों की नजर। अली नमाज का नाम, कहां कत्ल किया गया मेरे शहनशाह अली को, मुसल्ले पे। अब कातल आया था कि अली को मुसल्ले पे कत्ल करूंगा, अली इबादत से जुदा हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए अली को इबादत से निकाल दूंगा। कातल आया था अली को इबादत से निकालने के लिए, पता नहीं फिर मुझे नहीं पता, मैं शदीद ही उसका हूँ कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया लेकिन अली की विलायत पे समझौता नहीं किया। ये जुमला कहना भी फिर मेरा यह बनता है, कातिल आया था अली को इबादत से निकालने के लिए, कातिल चाहता था हमेशा के लिए अली इबादत से निकल जाए। और मेरे शहनशाह अली ने मुसल्ले पे क़याम करके बता दिया, जितनी कोशिशें कर लो अली को इबादत से निकाल ही नहीं सकते। अली ने मुसल्ले पे सर रख